अस्सलाम वालेकुम मॉन्ट वन स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू आर फाइन एंड एंजॉयिंग योर समर वेकेशन. टुडे वी विल स्टार्ट अवर इंग्लिश वर्क. ओपन पेज नंबर 15. जैसे कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में एम का साउंड पढ़ना बताया था, तो इसी तरह से अब हमने नेक्स्ट पेज में साउंड को राइट करना है, उसको ट्रेस करना है. स्किल्स, देयर आर टू स्किल्स, राइटिंग एंड स्पीकिंग, लिखना और बोलना. देन हमारे पास है ELOs, ट्रेस, कॉपी एंड राइट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, के आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट को ट्रेस करना है, कॉपी करना है और राइट करना है. देन हमारे पास नेक्स्ट है नोट फॉर पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स, द गिवन वीडियो एंड हेल्प योर चाइल्ड टू कम्प्लीट द गिवन टास्क एक्टिविटी. पेरेंट्स दिए गए QR कोड को स्कैन करके वीडियो देखें और अपने बच्चों को दिखाएं और जो उन्हें टास्क या एक्टिविटी दी गई है उसे करने में उनकी हेल्प करें. देन हमारे पास नेक्स्ट है फॉलो द इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट द एक्टिविटी. हदायत को फॉलो करते हुए एक्टिविटी को मुकम्मल करें. देन हमारे पास नेक्स्ट है मेक मैंगो शेक विद मिल्क, मैंगो शुगर एंड आइस, कि आपने मैंगो शेक बनाना है, उसमें क्या ऐड करना है? मिल्क, मैंगो दूध, आम, शुगर चीनी एंड आइस बर्फ, आपने उसमें ये ऐड करना है मैंगो शेक में. इंजॉय इट विद योर फैमिली, कि अपने फैमिली के साथ आपने मैंगो शेक को इंजॉय करना है. हमारे पास ग्रॉस मोटर एक्टिविटी है, आपने ये देखें वो उसमें शेक मैंगो शेक बना रहे, तो आपने इसी तरह से घर में इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है. देन हमारे पास नेक्स्ट है से एंड ट्रेस विद क्रियॉन पेंसिल, कि आपने साउंड को क्या करना है? ट्रेस करना है पेंसिल या क्रियॉन्स के साथ. देन हमारे अब हम राइट करेंगे एल लेटर एम का साउंड क्या होता है? एम का साउंड क्या होता है? तो हम लेटर एम के साउंड को ट्रेस करें. इस तरह से आपने साउंड को ट्रेस करने. अब हम दोबारा से इसको ट्रेस करेंगे. एम एम मैंगो, एम एम मंकी, एम एम मून, आपने इसको डॉट्स के ऊपर इस तरह से ट्रेस करना है एम के साउंड को, इसको इसी तरह से आपने एम के साउंड को ट्रेस करते जाना है डॉट्स के ऊपर. तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. इसी तरह से आपने लेटर एम के साउंड को ट्रेस भी करना है और लर्न भी करना है. ओके, अल्लाह हाफिज़.